पाकिस्तान की कुछ एजेंसियां मुनव्वर फारूकी को विनर बनाने के लिए सपोर्ट कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ चीज़ें फैली हुई हैं ट्विटर पर, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैली हुई है कि भैया पाकिस्तान की कुछ एजेंसियां हैं जो कि कहीं ना कहीं मुनव्वर को सपोर्ट कर रही है, और यहाँ के जो फ़ैन हैं, जो मुनव्वर की टीम है, वो उन एजेंसियों की हेल्प ले रही है। और ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक खबरी नाम के ट्विटर अकाउंट है, वो लगातार बता रहे हैं कि भैया ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, उनका कहना है ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि भैया ये एजेंसी है पाकिस्तान की जो मुनव्वर को सपोर्ट कर रही है और मुनव्वर को विनर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और मुनव्वर को विनर बनाने के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्विटर पर स्पेसिस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं उसको, को होस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादा चीज़ें यही फैलाई जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके, मुनव्वर को पाकिस्तान से कहीं ना कहीं वोट दिलवाएं, पाकिस्तान से सपोर्ट दिलवाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो विनर बन सके। तो क्या गलत है यार, मुझे तो ये बताओ, सिर्फ मुनव्वर को कहां, अभिषेक कुमार को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। मुझे यहां पर काफी सारे मैसेज आते हैं जो पाकिस्तान से भी लोग कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भैया गलत कहां है? ठीक है, अगर वो करवा रहे हैं तो सामने से जो वोट कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ होगा ना, मुनव्वर फारूकी तो वो तो करेंगे ना। यहां पर अगर यूके राइडर की बात करें तो उसको नेपाल से मिल रहे हैं वोट काफी ज्यादा, तो यहां पर ये चीजें, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं वोट मिल रहे हैं। और यहां पर उनका ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसियां करवा रही हैं, चलो यार मान लेते हैं एजेंसियां करवा रही हैं, उनके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ठीक है यार, क्या गलत है? वो अपने किसी आइडल को विनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए मुनव्वर फारूकी के लिए चलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं तो अंदर तो मुनव्वर फारूकी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, बाहर भी की जा रही है। और पाकिस्तान से जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, जो कि मुनव्वर को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लव यू सो मच, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है मैं आपसे बातचीत करता हूँ तो आप लोग दिल से सपोर्ट करते हो और लगातार कर रहे हो। तो आप हमें बताइए कि आप दिल से सपोर्ट कर रहे हो और कौन किसको कहाँ से सपोर्ट कर रहा है। ज़रूर अपनी कंट्री के साथ साथ अपना कंटेस्टेंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर गाइस मुनव्वर को डाउन करने की बिग बॉस कोशिश कर रहे हैं, बिग बॉस अंकिता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब विनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लोग अंकिता के फैन बोल रहे हैं कि अंकिता बनेगी तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंकिता को वोट उतने ना मिले, मुनव्वर को ज्यादा मिल रहे हैं, फिर बनाया तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। यहाँ पर अगर यूके राइडर को ना बनाया, यूके राइडर टॉप पे बैठा है, नंबर वन पे है, और अंकिता जो कि दो पे तीन पे है उसको बना दिया, फिर दिक्कत है। तो ये चीज़ें हैं, अगर अंकिता को अच्छे वोट मिलते हैं, नंबर वन पे बैठी है, फिर बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिजर्विंग विनर बनना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बनना चाहिए मेरे हिसाब से, आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो यहाँ पर गाइस फिलहाल के लिए तो ये चीज़ें चलाई जा रही है कि भैया मुनव्वर फारूकी को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही है और पाकिस्तान की एजेंसियाँ हैं वो मुनव्वर को विनर बनाने के लिए लगातार ये प्लान चला रहे हैं। तो भैया क्या वो इतनी फ्री थोड़ी बैठी हैं एजेंसियाँ? तुम ऐसे बोल सकते हो कि फैन कर रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, एजेंसियां इतनी फ्री थोड़ी बैठी है कि यार यहां पर ये सब चलाएं, है ना, उनके पास उनके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये चीजें चल रही है। फिलहाल आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसके साथ गाइस आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में क्या बोलोगे, ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, अपनी राय जरूर दें और यूट्यूब पर जाकर भी सब्सक्राइब कर लें।